हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरन सोलो। आई होप दैट यू आर ऑल गुड एंड फाइन। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली जाता हूँ थिएटर, यहीं वर्सो विलेज में आता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको घुमाता हूँ आरामनगर। 4 महीने बाद मैं आपको एक स्टेटस बताऊँगा कि आरामनगर खुलालू है कि बंद है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑडिशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी मेरे को तो मालूम है, पर अभी आपको दिखाता हूँ लाइव। मैं अपने वीडियो को दोबारा सबको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कोरोना का माहौल बहुत है, कोरोना के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो चलो देखते क्या होता है, क्योंकि मैंने 3 या 4 महीने पहले भी वीडियो बनाया था तो सब बंद था उसमें। तो चलो, अभी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई देखो आरामनगर में क्या हो रहा है, अभी स्टेटस बताओ, उसका एक व्लॉग और बनाओ। तो मैं जा रहा हूँ आज बनाने के लिए। तो अभी मैं हूँ अंधेरी से मैं जा रहा हूँ चलकर। तो चलो देखते हैं यार क्या होता है। गाइस बने रहो, पूरा वीडियो देखो और स्टेटस पाओ यार, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऑडिशंस हो रहे कि नहीं हो रहे। तो बने रहो, चलो आगे देखते गाइस, लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आरामनगर पार्ट 1 में पहुंच चुका हूं। अभी दिखा रहा हूं आगे क्या होता है। यहां पर है जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था और अभी दिखाने वाला हूं, पर पहले की बात कुछ और है, अभी की बात कुछ और, क्योंकि 4 महीने का गैप हो चुका है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। बस अभी आ गया है, अब देखने का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो चलो बने रहो गाइस, चलो आगे दिखाता हूँ। ए भाई लोग आओ रहे, जल्दी आओ। यह है वेदर फैक्ट्री का पार्ट 1। ये भी एक स्टूडियो है, पर अभी यहाँ पर ताला लगा है तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बंद है। और एक इसका आरामनगर पार्ट 2 में, इसका पार्ट 2 है वेदर फैक्ट्री का। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है ना ऑडिशन, तो ऑडिशन नहीं हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर है एंटी कास्टिंग, और भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी कोई भीड़ है नहीं, देखिए लगता है ये भी बंद है। तो सब लोग अपना यहाँ पर इस ईमेल आईडी पे अपना इंट्रो फोटो सेंड करो, उन्होंने बोला है, क्योंकि सब बंद है, जो शॉर्ट लिस्टेड है सिर्फ उनको ही बुला रहे हैं ऑडिशन के लिए। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सब बंद है, यहाँ से स्टार्टिंग में सब बंद दिख रहा है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पर चलो आगे देखते हैं गाइस। और एक यहाँ पर ड्रामा टॉकीज़ है, तो कौन सा है टॉकीज़ है, ड्रामा टॉकीज़, अगर आपको यहाँ आना तो आ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पर प्ले होता है देखो। तो आगे चलते हैं। अभी आरामनगर पार्ट 1 में कुछ मिला नहीं, सब बंद है। तो अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं आरामनगर पार्ट 2 में। जो मैंने आपको दिखाया ड्रामा टॉकीज़, वहाँ पर पैसा लेते हैं, थिएटर है वहाँ पर, और प्ले भी करवाते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से आगे जा रहे हैं, तो अभी आरामनगर पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर वेदर फैक्ट्री है जहाँ हमारा प्ले होने वाला है कुछ हफ्ते बाद। तो देखते हैं वहाँ पर, भले ही अभी हम लोग रोल में नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग नए नए गए हैं वहाँ पर थिएटर में। तो कुछ मतलब हमारा क्लास का थिएटर का ये नियम है कि हर एक महीने में एक प्ले करवाएंगे, जैसे कि साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीने में 12 प्ले होगा हमारे क्लास का, तो हमारा भी रोल में आगे आएगा। तो अभी चलो देखते क्या होता है, मज़ा बहुत आने वाला है गाइस। तो चलो अभी वेदर फैक्ट्री की तरफ देख, तो चलो अभी वेदर फैक्ट्री की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी मैं वेदर फैक्ट्री पहुंच चुका हूं, तो दिखाता हूं आपको। तो गाइस अभी मैं
वेदर फैक्ट्री के अंदर गया था, दिखाया आपको, वहाँ पर सब बंद है, ना ही इंट्रो हो रहा है ना ही ऑडिशन हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। और वहाँ पर थिएटर भी सिखाते नहीं है, वहाँ पर सिर्फ प्ले होता है। तो प्ले वैसे भी नहीं, जैसे कि जो अपना बुकिंग करेगा वैसे उसके हिसाब से प्ले होता है। तो अभी हम लोग भी आने वाले हैं यहाँ पर, उसका भी एक नया व्लॉग बनाऊंगा। तो चलो गाइस आगे चलते हैं, अभी आरामनगर पार्ट टू के पा रही है, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। चलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आरामनगर पार्ट टू, किसके ऑफिस के बाहर, MCCC मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। तो चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। कैसा रहे यहाँ पर, जा रहे कहीं बाहर। मुकेश्वर अभी हैं यहाँ पर, जा रहे कहीं बाहर। देखो अभी उनके साथ हम लोग ने फोटो खिंचवाया है, मिले अभी, मज़ा आ गया, अच्छा आ गया हम लोग। अभी वो कहीं जा रहे हैं अपने गाड़ी में, देखो। आगे जा रही है, आगे है यहाँ पर है कुणाल सा, देखो पीछे अभी ये भी बन। डो नॉट डिस्टर्ब, मेल योर प्रोफाइल। अभी आगे यहाँ पर है कास्टिंग बे वाला, तो आगे बे है। तो देखो यहाँ पे क्लोज डे लिखा है 10 days के लिए ड्यू टू कोरोना, तो बंद है अभी कास्टिंग बे। स्पेस अवेलेबल फॉर एम्ब्रोसिया थिएटर ग्रुप है ये। अच्छा, एम्ब्रोसिया थिएटर है ये। अभी भी इधर चलना, अभी बताओ। तो देखो एक ये है थंडर स्काई एंटरटेनमेंट। चलो यहाँ पर भी कुछ हो नहीं रहा है, अभी आगे जा रहे हैं, फिलहाल अभी कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर हॉल बुकिंग डांस क्लासेस में पहली बार जब आया था 3 महीने पहले, तो मैं ये सब देखा नहीं था, तो आज मैं पहली बार ये सब देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ सीन में। ये भी एक्टर बनने आया है और एक्टर साहब लेडीज है रे। ये देखिए थिएटर है, अगर आपको आना है तो यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अस्मिता थिएटर स्टूडियो मुंबई, ये है यहाँ पर ही है, वो अंदर क्लास चल रही है, एंट्री नहीं है। तो आओ यहाँ पर करो, ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ करो। वर्सो विलेज में ये आरामनगर में। तो गाइस अभी मैं देखो यहाँ पर कैलाश खैर एकेडमी लर्निंग फॉर एक्टिंग जो भी है काला धाम, मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अभी जस्ट वो अंदर गए पर मैं पहचान नहीं पाया था इनको। देखो मैं यहाँ पर इतने दिन से आता हूँ पर ये मालूम नहीं था कि कैलाश खैर एकेडमी यहीं पर है, जस्ट रोड के बाजू में ही है। देखो अरे यार, कैलाश सर अभी बाहर जा रहे हैं, कैलाश सर देखो वे सर अपने गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं बाहर, कैलाश सर मिले, देखिए
गए वहाँ पर, देखिए हम लोग ने देखा उन्हें BMW है इनकी कार, पर वो फ़ोटो नहीं खिंचवाए, कहीं इनको अर्जेंट काम है गए वो। सो गाइस चलते चलते अभी हम लोग आ चुके हैं सुनील सेट्टी सर का प्रोडक्शन हाउस के यहाँ पर, तो वहाँ पर अभी हम लोग बाहर खड़े दिखाते आपको। मुझे अभी पता चला यहाँ पर भी है उनका प्रोडक्शन हाउस सुनील सेट्टी सर का, यही है ऑफिस देखिए। तभी धर्मेंद्र सर के प्रोडक्शन हाउस के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या होते हैं आज, सब देख कर रहेंगे कुछ भी हो जाएंगे। आज अब आया हूँ तो A to Z आज एक्सप्लोर करके रहूँगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया था जितना आज कर रहा हूँ। वो बस यार प्यार दीजिए इस वीडियो को, चलो देखते हैं आगे क्या होता है यार। तो यह है गाइस देखो, यह है धर्म पाजी का है प्रोडक्शन हाउस। ओह माय गॉड, यही देखिए यहीं सर लोग आते हैं, यहीं शूटिंग भी होती है उनकी कभी कभार। देखिए यहाँ पर उसके जस्ट बाजू में लिटिल रायना स्टूडियो है। सॉरी गाइस कि मैंने आपको पूरा नहीं दिखा पाया, सब बंद है, वैसे भी अब दिखाने का कुछ फ़ायदा है नहीं, सब बंद है। जितना भी मैंने दिखाया है जहाँ पर भी मैं गया हूँ सब बंद है, ना ही इंट्रो ले रहे हैं ना ही ऑडिशन ले रहे, सिर्फ उनका एक ईमेल आईडी है और नंबर है और कुछ नहीं है। जैसे कि अभी उनके छाबरा सर के ऑफिस के बाहर गए थे तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ के बॉडीगार्ड है उन्होंने बोला कि एक साल बाद चालू होगा, अभी होगा भी कि नहीं होगा उन्होंने कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया है, तो बोले हैं कि अभी ऑनलाइन भेजो। तो अभी वहाँ से गए उसके बाद और देखे हम लोग किससे मिले, क्लास सर का जो एकेडमी है वहाँ पर भी हम लोग गए, मुझे वो मालूम नहीं था कि वहीं था, पर गए वहाँ पर मिलवाए और बहुत चीज़ मैंने आपको दिखाया जो मुझे मालूम नहीं था और आपको भी मालूम नहीं होगा, ये मुझे लगभग किसी को भी मालूम नहीं होगा, जो आए हैं उनको मालूम है। तो अच्छा लगा आज के दिन, मैं पूरा घुमा नहीं पाया इसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम फिर घुमाएंगे। देखिए दोस्तों 4 महीने पहले भी मैं आया था, सब बंद था, 4 महीने बाद भी आया सब सब बंद है, स्टेटस वही है। तो अभी कोई मुंबई मत आओ क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑडिशन कहाँ भेजे तो इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर सबका नाम सर्च करिए और फॉलो करिए, वहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है, उनका ईमेल आईडी वहीं है, आप सब अपना प्रोफाइल इंट्रो फोटो जो भी सेंड करना है सेंड कर दीजिएगा। और ऐसे तो ऑफलाइन करने में कुछ फ़ायदा है नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसा वेस्ट होगा वहाँ से आने यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि सब बंद है। तो गाइस हमारा सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है, अब मैं जा रहा हूँ क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।